इंग्लिश में क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, तो एनालिसिस मैं शुरू करूंगा फिंगर्स से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, और उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, और सबसे लास्ट में चेक करेंगे लाइंस को, और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ फिंगर्स के एनालिसिस से, तो साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिंगर्स की लेंथ है, थिकनेस तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेंथ यहाँ कंप्लीट दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फैलेंज जो हैं उनसे क्लियरली पता चल रहा है कि जो अपोलो फिंगर है वह ज़्यादा लंबी है इनकी बृहस्पति फिंगर से। तो यहाँ से इस फैलेंज की लेंथ से हम क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि इनके अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ रहेंगी आर्टिस्टिक, और थिकनेस काफ़ी अच्छी होने की वजह से इनके अंदर स्टैमिना और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ी सी कमी रहेगी क्योंकि बृहस्पति फिंगर मुझे थोड़ी सी शॉर्ट दिखाई दे रही है, और उसी तरह से मुझे यहाँ पर इनकी जो मरकरी फिंगर है इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं दिखाई दे रही, जिसकी वजह थोड़ी सी शाइनेस इनके स्वभाव में रह सकती है। अब चेक करते हैं इनकी फिंगर्स की सेटिंग को, तो यहाँ पर अगर देखें आप तो कुछ इस तरह का जो एक लाइन है, अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो इस तरह की लाइन हमारे सामने आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई सेट हमें दिखाई दे रहा है इनके हाथ पे सैटर्न का माउंट, और उसके बाद जो माउंट है वह दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर पर सूर्य का माउंट। तो यह दोनों माउंट्स हाई सेट दिखाई दे रहे हैं, जबकि बृहस्पति और मरकरी के माउंट मुझे थोड़े से लो सेट होते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति के लो सेट होने की वजह से थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी रहती है, और मरकरी के लो सेट होने की वजह से शाइनेस रहती है, और थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी दिक्कत रह सकती है। तो आगे चेक करते हैं माउंट्स को वन बाई वन क्लियरली देखने के लिए थोड़ा सा एक बार क्लोजअप लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो माउंट है बृहस्पति का, तो ट्राइरिडल जो है इस माउंट में बिल्कुल सेंटर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से माउंट कुछ पॉजिटिव हो जाता है। ट्राइरिडल हम इस त्रिकोण को कहते हैं जो बारीक लाइंस होती हैं फिंगरप्रिंट वाली लाइंस उनसे बनता है कुछ ऐसा त्रिकोण, और तीनों तरफ को लाइंस जो है बारीक लाइंस चलती दिखाई देती हैं, और अगर ये किसी भी माउंट के सेंटर में बनता हुआ दिखाई दे, सेंटर के आसपास यानी अपेक्स पे बनता हुआ दिखाई दे, तो उस माउंट के गुण कुछ बढ़िया हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेशक हमें लो सेट बृहस्पति दिखाई दे रहा था, लेकिन ट्राइरिडल के कारण थोड़ा सा ये पॉजिटिव हो रहा है, तो इससे इनको कुछ बेनिफिट्स मिलने के चांसेस हैं। और सैटर्न को देखा जाए तो सैटर्न काफ़ी हाई सेट दिखाई दे रहा था यहाँ पर, और सैटर्न के हाई सेट होने की वजह से कुछ अच्छे रिजल्ट मिलने की मैं आशा करता हूँ यहाँ पे। और अगर देखा जाए इनका जो माउंट सूर्य का हाई सेट ज़रूर है, लेकिन दबा हुआ माउंट है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें रहती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा लाभ नहीं मिल पाता, आई साइट वीक होने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव मिल सकता है। अदरवाइज इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं, सूर्य की रेखा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इनके अंदर कोई ना कोई आर्टिस्टिक गुण जरूर रहेगा। तो यहाँ पर एक अच्छी सूर्य रेखा बनती दिखाई दे रही है, जो इनको लेटर एज में लाभ दिलवा सकती है। और अगर मरकरी की बात की जाए तो मरकरी का जो माउंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस नहीं है इसके पास, और जो ट्राइरिडल है वह भी काफ़ी हाई सेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो मरकरी की थोड़ी सी कमी मरकरी की तरफ से रह सकती है। वैसे एक लाइन इसके ऊपर बनना कुछ इसको बेनिफिशियल कर देता है, जिसकी वजह से बिजनेस में व्यक्ति अच्छा हो सकता है, थोड़ी शाइनेस रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स वीक रह सकते हैं, लेकिन बिजनेस में अच्छा परफॉर्म ऐसा व्यक्ति कर सकता है। तो चलिए माउंट्स के बाद चेक करते हैं लाइंस को वन बाई वन। तो यहाँ पर हार्ट की लाइन को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर लगभग मुझे एक आइलैंड का चिन्ह यहाँ पर क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 50+ की एज में यहाँ पर एक आइलैंड का चिन्ह बन रहा है इनके हाथ पे, तो यह थोड़ा सा नेगेटिव चिन्ह है, जिसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड
कुछ प्रॉब्लम इनको हो सकती है, कुछ डिसीज़ के चांसेस बनते हैं 50 प्लस की एज में, और थोड़ा सा इनको सावधान रहना चाहिए। अगर अभी से यह है थोड़ा सा अपने जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करते रहें तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अदरवाइज़ हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी और अच्छे कर्व के साथ ऊपर की तरफ चलते हुए विष्णु सिंबल जैसा चिन्ह यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। जिनके हाथ पे ऐसा कुछ चिन्ह बनता है वी सिंबल जिसको हम कहते हैं, कुछ यहाँ पर कमेंसमेंट पे ऐसे लोग शुरू में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करते हैं लेकिन लाइफ में प्रोग्रेस इनके काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पर मंगल की तरफ एक लाइन चल रही है जो अगर कम्प्लीटली मंगल माउंट तक पहुँचती हो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा झुकाव है, थोड़ा सा अग्रेशन इनके अंदर इसकी वजह से रह सकता है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इनकी पर्सनैलिटी रहेगी और लाइन जो है काफ़ी ऊपर तक झुकाव लेकर चल रही है तो इमोशनल इनका रहना यहाँ पर स्वाभाविक है और काफ़ी लॉयल पर्सनैलिटी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो इनकी लाइन की कमेंसमेंट है वो हो रही है बृहस्पति माउंट से, इसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी लॉयल होता है। तो चलिए आगे चेक करते हैं इनकी माइंड की लाइन इनके बारे में क्या बता रही है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा और ताकि क्लियरली माइंड की लाइन को रीड कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की लाइन में काफ़ी बड़ा गैप नज़र आ रहा है मुझे, कमेंसमेंट पे लाइफ लाइन से काफ़ी ऊपर बृहस्पति से चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बृहस्पति के कुछ गुण माइंड की लाइन में माइंड में आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ जो लाइन का झुकाव बन रहा है एक तरह से कह सकता हूँ कि लाइन यहाँ पर कुछ चेंज शो कर रही है लगभग 30 के आसपास की एज में, और ऊपर की तरफ लाइन का एक ब्रांच का चलना सूर्य की तरफ काफ़ी ऐसा एक शो कर रहा है कि इनके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ रहेंगी आर्ट की यह इनको काफ़ी प्रोग्रेस दिलवा सकती हैं। इनके अंदर कोई ना कोई हिडन आर्ट ज़रूर होना चाहिए जो इन फ्यूचर इनको काफ़ी बेनिफिट दिला सकता है। माइंड का झुकाव रहेगा आर्ट की तरफ और यहाँ पर लगभग 30 के आसपास में चेंज यहाँ पर शो हो रहा है और चेंज के साथ साथ लाइन बाय फोर्क होती हुई आगे चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कह सकता हूँ कि इनको जो नीचे वाला फोर्क यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा झुकाव हो तो ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध राइटर भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है तो इनके अंदर इमेजिनेशंस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगी और काफ़ी शार्प माइंड रहने के साथ डबल माइंड की लाइन यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो माइंड के साथ साथ शार्प माइंड के साथ साथ डबल पर्सनैलिटी भी यहाँ पर इनकी देखने में नज़र आ रही है और यहाँ पर जो गैप दिखाई दे रहा है यह व्यक्ति को अपनी एज से पहले ही मच्योरिटी प्रदान करता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक बिग गैप है, ऐसे लोग जिनके यहाँ पर गैप होता है थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, थोड़े अड़ियल स्वभाव के होते हैं और साथ ही साथ इस गैप की वजह से व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत छोटी एज में आ जाती हैं। तो इनके अंदर इनके साथ भी कुछ ऐसा ही इनके लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने से छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज़ें इनके ऊपर नॉर्मली छोटी एज में ही आती हुई दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर एक चेंज है माइंड सेट में, थॉट प्रोसेस में, लगभग 30 के आसपास की एज, 28 से 30 के आसपास की एज में कुछ चेंजेस ये अपने लाइफस्टाइल में करेंगे और उसके बाद जो लाइफ है नॉर्मल चलती हुई नज़र आ रही है। आगे चेक करते हैं यहाँ इनकी लाइफ की लाइन को, लाइफ की लाइन से क्या क्या पता चलता है इनके बारे में उस चीज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पर लाइफ की लाइन का झुकाव जो है बाहर की तरफ और एक ब्रांच अंदर की तरफ चलती हुई और बाहर वाली ब्रांच जो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग, तो यह भी संभव है इनकी लाइफ में लेटर एज में चलकर यह अपने घर से कुछ दूर यानी कुछ ऐसे एरिया में जो घर से थोड़ा दूर हो वहाँ पर जाकर सेटल हो सकते हैं। फैमिली के साथ अटैचमेंट भी बनी रहेगी लेकिन सेटलमेंट के चांसेस दूर घर से नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ लाइन निकलती है तो फौरन में सेटलमेंट के चांसेस भी बन सकते हैं। लाइफ यहाँ पर काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है, लगभग 80 के आसपास काफ़ी अच्छी एज इनकी यहाँ पर नज़र आ रही है और वीनस का माउंट ओवर डेवलप्ड थोड़ी सी कामुकता को शो करता है,
या 80 के आसपास की इनकी एज और वीनस थोड़ा ओवर डेवलप्ड होने की वजह से थोड़ी सी कामुकता भी यहाँ नज़र आ रही है और लग्जरियस लाइफ की तरफ डिज़ायर्स होना भी यहाँ पर यह वीनस का माउंट शो कर रहा है। यहाँ पर दो आइलैंड्स बन रहे हैं इनके फैमिली रिंग के ऊपर जो शो करते हैं कि एक फीमेल चाइल्ड और एक मेल चाइल्ड इनको प्राप्त होगा। तो अगर अभी इनके पास एक ही किड है तो दूसरे बच्चे के चांसेस भी हैं और दोनों में से एक मेल और एक फीमेल चाइल्ड इनको लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पर अगर और चीज़ देखा जाए तो एक मनी ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन होती हुई भी नज़र आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा मनी ट्रायंगल जो है ओपन नज़र आ रहा है, खुला नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़े खर्चे ज़्यादा रहेंगे इनकी लाइफ में और खर्चों के साथ साथ इनकम भी काफ़ी होगी और स्टोर भी काफ़ी, यानी कि बैंक बैलेंस भी ये अपना काफ़ी अच्छा बना सकेंगे। मनी ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन हो रही है लेकिन यहाँ पर जो ओपन वे है इसके होने की वजह से एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ट्रैवल की लाइन भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है मुझे, जो मून एरिया से ऊपर की तरफ चलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर हल्की ट्रैवल की लाइन है लेकिन ऐसी लाइंस टाइम टू टाइम बनती रहती हैं। ट्रैवल की लाइंस कई बार पहले हमें नहीं दिखाई देती लेकिन अचानक से ऐसे इस तरह की लाइंस हमारे हाथ के ऊपर उभर कर सामने आ सकती हैं। तो ट्रैवल के चांसेस भी इनके अंदर काफ़ी रहेंगे इनकी लाइफ में, तो काफ़ी ट्रैवलिंग भी इनको करनी पड़ सकती है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मैंने कोशिश की कि लगभग सारे के सारे चिन्ह जो इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी अगर इनके कुछ क्वेश्चंस रह गए हों तो यह मुझे इसी ईमेल पर रिवर्ट बैक करें जहाँ पर मैं इनको इस वीडियो का लिंक सेंड कर रहा हूँ, ताकि मैं दोबारा से इनके हाथ को चेक करके इनके उन क्वेश्चंस के जो रिप्लाई हैं वो टाइमली मैनर पर दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।